नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश बलरामपुर में तुलसीपुर से बीजेपी विधायक कैलाश नाथ शुक्ला के भतीजे और 12 अन्य लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। आरोप लगा है कि इन लोगों ने कुछ दलित युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। ये घटना तो कई दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद ही पुलिस द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विधायक का भतीजा सोनू शुक्ला कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर दलित युवकों की जमकर पिटाई कर रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद विधायक की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये उनके भतीजे की दुकान पर नशे की हालत में घुसे थे और उनकी तरफ से ही कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। अभी पुलिस इस मामले किसी भी तरह का बयान देने से बच रही है। वैसे इससे पहले भी ऐसे कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर नेताओं और उनके रिश्तेदारों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस घटना की तरह उन घटनाओं में भी यही कहा जाता है कि बदनाम करने के इरादे से वीडियो वायरल किए गए हैं। अब इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।